हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, फुल मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। आज बच्चे जो है वो जा रहे हैं अपनी फूफो अनम के पास। तो कितने खुश हैं ये दीदी, कितनी खुश है। और केवन इधर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आज जा रहे हैं अपनी फूफो के घर, फूफो अनम के घर। अच्छा जी, तो अभी एशलिन की बर्थडे भी आ रही है 18 तारीख को, लेकिन वो कह रही है कि मैंने अपनी बर्थडे जो सेलिब्रेट केवन के साथ नहीं करनी, अनम की जो बेटी है एमलिया उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। दो केक ला के इकट्ठे करनी है। तीनों ने एक साथ करनी है। चेंज कर लिया आपने अपना? अच्छा, फिर उधर भी करनी है। तो गाइस यहाँ पे बच्चों का अब आपस में जो कंट्रोडक्शन शुरू हो गया है, वो एक दूसरे को कह रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो साथ में वो कह रहे हैं कि हमें आज बना के दो मिल्क शेक, बनाना शेक। तो यहाँ पर मैं केलों को छील के हमने इसमें डाल दिया है जग में, और ये हमारा मिल्क पैक पड़ा हुआ है। तो बर्फ़ हमारे पास फ्रिज में है नहीं है, तो मैंने अभी दो गिलास में पानी डाल के भर के यहाँ पर फ्रिज में रख दिया है। बर्फ़ पड़ी हुई थी यहाँ पे, वो निकाल के तो कूलर में डाल दी है। तो अभी ये जैसे ही इसमें थोड़ी सी बर्फ़ बनती है तो हम जग में डालते हैं और बनाते हैं बनाना शेक। आपको बता दूं, वो आटे वाली बाल्टी के पीछे ना एक छिपकली है, अभी वो ना ये छिपकली से बहुत डरता है। दीदी नहीं डरती है, क्या मैं डरती हूं? जब आपने जग पीछे किया ना तब वही उतरी, मैं ठीक हुआ फिर उसके पीछे। अब जब आपके पास तो कुछ नहीं होता, चिपकली कुछ नहीं कहती। नहीं कुछ नहीं होता, जहर तो होता है। लेकिन मैं कल रात को चाय पी रहा था, चाय मैंने गर्म की, जो चाय रख दी थी आप लोगों ने, तो बाद में मैंने जैसे ही चाय गर्म की इस रात के साथ, इसके साथ मैंने गर्म की थी, तो लाइट ऑफ ही थी। मैं चाय ऐसे पी जा रहा था तो मेरे मुंह में बाल आया। मैंने कहा ये बाल की जैसे चला गया चाय में। तो बाद में मैंने चेक किया लाइट जला के, तो वो कॉकरोच का बाल था, पूरा कॉकरोच पड़ा हुआ था चाय के कप में। तो मैंने कहा ओहो, मैं ये कॉकरोच वाली चाय पीता रहा हूँ, तो फिर आधी चाय मैंने पी नहीं। कॉकरोच है छोटा सा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कई ऐसे दुनिया में लोग हैं वो कॉकरोच भी खाते हैं, स्पाइडर भी खाते हैं, सारी चीजें खा लेते हैं। सारे नहीं ना खाते, मैं तो गलती से पी गया। तो पाकिस्तान में तो, और भी इंडिया में भी बाज दफा चाय में मक्खी गिर जाती है, तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ। अच्छा, बर्फ तो पता नहीं कब तक जमनी है, ऐसा ना करें कि हम इसमें पानी डाल के ठंडा दो मिनट। हाँ। लेकिन वो सही बनेगा नहीं, फिर वो सही नहीं बनेगा। जो बनाना शेक ठीक होता है ना, गाढ़ा होता है, वो पानी से नहीं बनेगा, पानी से वो शरबत सा बन जाएगा। बर्फ होनी चाहिए थी, बर्फ आप रख देते तब के ग्लास में रख देते, ग्लास में डाल के रख देते बर्फ। मम्मा क्या कर रही है? आप लोगों की मम्मा किधर है? प्रेयर सुन रही है। चलो तो दीदी, आज हमने खाने के लिए क्या बनाया, क्या चीज है? बहुत मजेदार आलू चावल, आलू चावल। तो देख लेते हैं, ये पड़ा तो हुआ इधर बड़ा सारा पतीला, वड़ा सारा पतीला पिया, देखो की भरिया होए। ये तो बने हैं चावल और आलू, आलू वाले चावल। मजा आएगा भैया, आज मजा आएगा खाने का। क्या इसे मैं एक भी प्लेट नहीं खाएगी, मैं पूरी दो प्लेटें भर भर के खाऊंगी।
तो बच्चे आज बहुत ज्यादा खुश हैं, वो अपनी फूफो के घर जा रहे हैं और मम्मा इधर इसको नींद आई है, सो रही है, ये देखो उसको पता ही नहीं है वो सोई हुई अभी उठी है। तो ये देखें गाइस, ये कैवन का एक आदमी है, ये सुपरमैन है, ये इसे खेलता है इशुएं करके, इशुएं ऐसे खेलता है ना, ये इसे ऐसे लड़ाता है। बाकी इतने खिलौने हैं, टोकरी भरी हुई है, वो छोड़ के तो इसके साथ खेलता है। खेल के दिखाओ जरा, खेल के दिखाओ। तो मुझे तो लगी है भूख, यहाँ पे थोड़े से डाल लेते हैं चावल प्लेट में, चाय बनाई नहीं है साथ, चाय होती तो मज़ा जो है डबल हो जाना था। बस इतने से थोड़े सी खाने हैं मैंने, बाकी फिर बाद में दोबारा फिर भूख लग जाएगी, रात को फिर खाएंगे।